आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ मुस्कान निर्वाण। अमरोहा जनपद अमरोहा देहात थाना इलाके के जोया मार्ग से शिवानी बैंकेट हॉल में आयोजित हुआ मिशन शक्ति के तहत कार्यक्रम महिला अधिकारी हुई सम्मानित। बता दें कि अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के जोया मार्ग पर स्थित शिवानी बैंकेट हॉल में आज डीएम बी के त्रिपाठी एसपी पूनम की मौजूदगी में मिशन शक्ति के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ। मिशन शक्ति के तीसरे चरण के अंतर्गत आज अलग अलग क्षेत्र में कार्यकर प्रभावशाली शक्तिशाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इसके बारे में बताते हुए डीएम बी के त्रिपाठी ने बताया कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत नारियों के उत्थान और नारियों को बेहतर शक्ति प्रदान करने के लिए मिशन शक्ति के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नारियों का सम्मान करना हमारा पहला कर्तव्य बनता है, इसलिए नारी उत्थान और नारी सम्मान की दृष्टिगत सरकार ने यह कदम उठाया है। अमरोहा से जावेद आलम की रिपोर्ट, देखते रहे दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मिशन शक्ति फेज 3 का शुभारंभ किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी क्रम में सभी जनपदों में आयोजित किए गए हैं और अपने जनपद में भी मिशन फेज 3 का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत जो हमारे महिला हैं और जिन लोगों ने अच्छा काम किया है मिशन फेज 1 और 2 में, उनको आज सम्मानित किया गया है, जिसमें जनपद के 108 महिलाओं को सम्मानित किया गया है जो विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो समाजसेवी हों, पुलिस सेवा से हों, होमगार्ड से हों, शिक्षा से हों, सबको सम्मानित किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत जनपद के 2028 लाभार्थियों के खाते में आज पैसा भी हस्तांतरण किया गया है और पूरे प्रदेश में 1,55,000 लोगों को हस्तांतरित किया गया, 32 करोड़ रुपये हस्तांतरित किया गया है। इस प्रकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएँ चलाई जा रही हैं उसके जो उससे जो लाभान्वित हो रहे हैं और जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनको आज सम्मानित किया गया है, और हम लोग इस ये उम्मीद करते हैं कि प्रदेश में महिलाओं के सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी, उनकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं रहेगी। इसी कार्यक्रम के तहत ये मिशन फिर शुरू हुआ है, फिर से शुरू हुआ है, जो कि दिसंबर तक चलेगा। थैंक यू।